अब हम आपको उस सड़क तक लेकर चलेंगे जो चीन और भारत के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह है। ये सड़क एलएसी के साथ साथ बन रही है और इसे दौलत बेग ओल्डी सड़क कहते हैं। आज तक संवाददाता गौरव सामंत 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे और पूरा जायजा लिया है। उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वो सड़क जो चीन की साजिश में पलीता लगा देगी, वो पुल जो चीन के प्लान को ध्वस्त कर देगा, अठारह हजार फीट की ऊंचाई से चीन की घेराबंदी, सांस जमा देने वाले मौसम में सेना का मिशन, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का सैन्य प्लान, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर आज तक, अठारह हजार फीट की ऊंचाई से साहसिक रिपोर्टिंग। अठारह हजार फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। एक वक्त था जब यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाता था। मुश्किल मौसम, बेजान पहाड़, वीरान इलाके, इन रास्तों से आगे बढ़ना सेना के लिए बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हम लोग हैं लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर। डुरबुक का यही मार्ग, डुरबुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने 255 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया। आज हम आपको दिखाएंगे भारत की वो तैयारी जिससे चीन इतना बेचैन हो गया कि उसने एलएसी पर साजिश पे साजिश शुरू कर दी। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक सीमा सड़क संगठन 35 पुल बना रहा है। श्योक नदी पर बना ये पुल चीन की साजिश का करारा जवाब है। इस समय दुर्बुक से 150 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर कर्नल छिवांग रिंचन, महावीर चक्र एंड बार सेना मेडल, लद्दाख के हीरो के नाम पर यह ब्रिज पूर्वी लद्दाख में बनाया गया है। और यह ब्रिज प्रकृति का चमत्कार नहीं है, ये सेना के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का परिणाम है। इन इलाकों में सड़क बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं। हमारा सफर दुर्बुक से शुरू हुआ था और अब हम दौलत बेग ओल्डी से 10 किलोमीटर पीछे हैं। 18,000 फीट पर सड़क निर्माण का ये काम कितना मुश्किल है, ये आप सेना के अफसर से ही सुनिए। इस समय हम लोग डीएसडीबीओ रोड पर लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये इस रोड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस रोड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ठीक मेरे पीछे, वो रिमो ग्लेशियर है और यहीं से पानी आता है श्योक नदी में। 245 किलोमीटर का सफर तय करके हम भारत की सबसे ऊंचाई वाले मोर्चे पर पहुंचने वाले हैं, जहां से पहले अब तक आसानी से पहुंचने के लिए सिर्फ हवाई सेवा का इस्तेमाल हो रहा था। ये हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी की लाइफलाइन है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। 16,696 फीट की ऊंचाई पर ये दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ये विश्व का सबसे ऊंचा
ALG या एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। यहाँ पर वायुसेना ने 1962 में अपने विमान उतारे थे। 1962 के अलावा 2008 में AN-32 एक विमान उतारा था और फिर 2013 में C-130J हर्क्यूलिस विमान यहाँ पर उतारा गया था। अभी भी यहाँ पर एक हेलीपैड है, वो हेलीपैड यहाँ पर रसद सामग्री जरूरत का सामान लेकर आता है और ठीक उसके पीछे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों को पुल से पाट दिया गया है, पहाड़ काट डाले गए हैं और चीन को बता दिया गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की गलती न करे। इस प्रोजेक्ट में सड़क निर्माण का ये कार्य यही समाप्त होता है, लेकिन सीमा सड़क संगठन, सेना और सरकार का कहना साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा ताकि देश का विकास और सुरक्षा दोनों निरंतर साथ साथ चलते रहे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, TBO आज तक।